देखिए, हम लोग यहाँ वगाड़ हॉस्पिटल पे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज बीएमसी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था कि डेड बॉडी जो है, कोई भी हो डेड बॉडी हो, उसको डायरेक्ट जो है जलाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने अमेंड किया, मगर कन्फ्यूजन देखिए, पहले ही केस में यहाँ पर इतनी जल्दी कन्फ्यूजन हो गया। वगाड़ हॉस्पिटल में एक पेशेंट की डेथ हुई है, मुस्लिम पेशेंट की, कोविड की। यहाँ पर पुलिस आ गई थी बॉडी लेके जलाने को, ले जाने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होने लगे थे कि यहाँ पर ये जलाने ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बाद में अमेंड किया गया। तो देखिए, बीएमसी का ऑर्डर जो पुलिस तक नहीं पहुँचा, उसके बड़े से इतनी कन्फ्यूजन हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर कितना प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर अमदा रईस शेख आए हुए उनकी टीम के साथ बात करने के लिए, और क्या मसला हुआ पूरी बात करेंगे। जरा आवाज़ कन्फर्म है ना भाई, है ना? जा मैं दूसरे पकड़ूँगा, थोड़ा सा गैप दो जाओ। तो आप यू प्लेस ओनली। रईस शेख जरा थोड़ा ज़्यादा हाइजीन लेवल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। इतनी दूर से बात करेंगे तो रईस भाई, यहाँ पर पुलिस आई थी बॉडी, जो मुस्लिम पेशेंट है उसकी बॉडी को ले जाने के लिए, जलाने के लिए। जरा बताएंगे क्या मामला? नहीं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर परदेसी साहब ने 6:30 के करीब एक सर्कुलर निकाला, जिसके तहत वो चाह रहे थे कि जितनी भी कोविड-19 की जितनी भी बॉडीज है उसको क्रिमेट किया जाए या जलाया जाए। उसके बाद मैंने कमिश्नर से बात की, तमाम लोगों ने बात की, और कमिश्नर ने इमीडिएटली अपना ऑर्डर रिवर्स किया और कहा कि आप मुंबई में ही दफन कर सकते हैं, दो शर्तों पे कि आप जहां दफन करोगे वो पब्लिक के बीच की जगह नहीं रहेगी, कब्रिस्तान छोटे भी है बड़े भी है तो बड़े कब्रिस्तान में करेंगे। दूसरा कि आप कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो आज आप देखेंगे कि कम सिर्फ 4 या 5 लोग रहेंगे, वो सब पूरा गेयर पहन के, सूट पूरा पहन के, जो है ताबूस के अंदर उसको दफन करेंगे। ये दो शर्त है। लेकिन हुआ क्या कि आज ये इंतकाल हो गया और पुलिस को कुछ मालूम ही नहीं, सर्कुलर बदला कि नहीं बदला, और यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से पुलिस आ गई। मैंने अभी एडिशनल सीपी प्रभु साहब से बात की और उनका शुक्रिया कि रात के 12:30 बजे भी उन्होंने फोन अटेंड किया और सर्कुलर को पढ़ा, और अब ये फैसला हुआ है कि इस्लामिक तरीके से बॉडी को जो है दफन किया जाएगा कब्रिस्तान के अंदर, प्रोटोकॉल के तहत। ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में बीएमसी और पुलिस में तालमेल नहीं दिखा इस चीज में। इतने बड़ा केस है, इतना बड़ा मैटर है, पुलिस एक बॉडी को लेके आ गई जलाने के लिए, तो कितना डिफरेंस लग रहा है ऐसे तालमेल, ऐसे टाइम पे, जो पेंडेमिक टाइम पे, ये जो तालमेल की जो कमी दिखी, क्या लगा? नहीं, इसमें पुलिस की गलती नहीं है, बीएमसी की गलती है। आप अगर 1 घंटे में इतना इंपॉर्टेंट 2 सर्कुलर निकालोगे, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पूरी गलती जो है बीएमसी की है, लेकिन इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, सल्यूशन निकल गया है। मैंने पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, सल्यूशन निकल गया है। आफियत के साथ ये फैमिली जो है तफकीन के लिए बॉडी को ले जा रही है, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बॉडी दफन हो जाएगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि देखिए माहौल क्या है, आज भी मुसलमान नहीं समझ रहे, हम अपने इलाकों से बाहर निकल रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप सब बहुत अलग रहें, घर में रहें, किसी से भी आपको मिलने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से रात में मत घूमिए, आप लोग अल्लाह के वास्ते मत घूमिए। अभी आप देख रहे हैं एक एक करके जो है कोविड-19 फैल रहा है, आगे और फैल रहा है। आपसे गुजारिश है घर में रहिए, प्लीज़ घर में रहिए, और घर में रहिए। रईस भाई, ये पहला केस है, इसलिए और जानकारी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट बॉडी को सील करके दिया जाएगा, तो ज़रा उसके बारे में बताएंगे ताकि लोगों को पता चले और आगे कन्फ्यूजन नहीं हो कि अगर कोई मुस्लिम डेड बॉडी अगर कोविड से निकलती है तो उसका थोड़ा सा एक प्रोसीजर बता देंगे, तो आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसा मौका नहीं लाए। इससे पहले हाजी सुल्तान जो फिलिपीन से आए थे, मुलुंड में उनको दफनाया गया। इसमें एक ही चीज़ है कि आपको कॉन्टेक्ट में नहीं आना है बॉडी के, तो आपको कांटेक्ट में नहीं आना, तो जो लोग आइसोलेशन में है वो बॉडी को सील कर देंगे, प्लास्टिक बैग में कर सकते हैं या जो कॉफिन कहते हैं जिसको ताबूत कहते हैं उसमें देंगे। आपको बॉडी के साथ इमीडिएटली जाना है मुफ्तियाने इकराम से, आप पूछ लीजिए कि नमाज की तरतीब क्या हो सकती है। 2 लोग भी जमात कर सकते हैं, मिनिमम लोग जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस को ख़त्म करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। और जो प्रोटेक्टिव गेयर है उसके बारे में, अभी हॉस्पिटल लेना इनको प्रोटेक्टिव गेयर पूरा देगा, इनको प्रोटेक्टिव गेयर कैसे पहनना वो भी सिखाएगा। उसके बाद जो कब्र खोदू होगा वो भी प्रोटेक्टिव गेयर पहनेगा। इनको जो सिखाया वो उसके साथ उनको सिखाएंगे, थोड़ा सा भी बॉडी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, और पुलिस साथ में रहेगी, पूरा वीडियोग्राफ करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो दफन कर दिया जाएगा। अरे, इसमें निलानी का जो होता है डेड बॉडी को, उसका क्या मसला होगा?
देखिए उलमाए कराम से पूछा गया है कि जो है ये प्रोसीजर ऐसे के मौके पे क्या करना, आप भी उलमाए कराम से बोलो, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जो उलमाए कराम सही समझे वो है जी। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पुलिस आई थी, बीएमसी का ऑर्डर आया था, उसके बाद अमेंड किया, तो पहला ऑर्डर पहुँच गया पुलिस के पास, सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर था वो नहीं पूछा। आज ऐसे माहौल पे पुलिस और बीएमसी के बीच में कितना बड़ा गैप है देखिए, यहाँ पर जैसे माहौल मालूम पड़ा कि पुलिस यहाँ पे बॉडी जलाने के लिए आई, तो बहुत सारी पब्लिक आ गया यहाँ पर, ऐसे ऐसे जो रिश्तेदार हैं सब आने लगे, यहाँ तक कि एमएलए रईस शेख को बुलाया गया, यहाँ पर हमारे को कॉल किया गया, हम यहाँ पर आए, रईस शेख ने पुलिस से बात की, तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई भी सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर नहीं है। फिर एडिशनल कमिश्नर से पूछा गया, एडिशनल कमिश्नर प्रभु सर को फ़ोन लगाया गया, उनको बताया गया वही से, तो उन्होंने इस बात का खुलासा जो है पुलिस में किया, तो यानी कि बहुत ही एक और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बॉडी को जो है पूरा पैक करके जो है सलीम शेख गली न्यूज़।